अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इसमें हम पढ़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, और आज हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। के इकोनॉमिक प्लानिंग का पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या किरदार है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग ये होती है कि देखें, कोई भी चीज बगैर प्लानिंग के नहीं होती, ठीक है जी। सर, आपने ये अपना गैस से पर साइन नहीं किया ईडीपी का, ना आपके ग्रुप पे लगा भाई है जी, अच्छा चलो अभी सेंड करते हैं, कराची एजुकेशन फोरम पे। मैं अभी सेंड कर रहा हूँ जनाब, अभी आपको अभी सेंड करते हैं। अभी पहले सेंड ही कर देता हूँ मैं आपको, नहीं तो वो रह जाता होगा ना। डॉक्यूमेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। ये मैंने इसको फॉरवर्ड करना है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसमें फॉरवर्ड का यार, तो हैरत है यार, मैंने नहीं किया। चले मैं कर दूंगा क्लास के बाद यार, याद मैं इंशाल्लाह लाजमी कर दूंगा क्लास के बाद। वो ढूंढना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में ना, वो उसमें मोबाइल में। तो खैर, तो इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या? इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली होता यह है कि कोई भी काम जब मईशत करती है, मईशत में लोग कितने जी, 22 करोड़ लोगों की मईशत है हमारी। अगर हम इनकम की बात करेंगे तो 22 करोड़ लोगों के हिसाब से हमारी आमदनी होनी चाहिए, और अगर हम खर्चों की बात करेंगे तो 22 करोड़ लोगों के हिसाब से हमारे खर्चे होने चाहिए। अब पाकिस्तान की इनकम कितनी है और पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स कितने? हमारी इनकम कम से कम इतनी होनी चाहिए कि जितने हमारे एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। मिनिमम लेवल क्या है हमारी आमदनी के लिए, कि कम से कम वो हमारे खर्चों को मीट कर ले। अगर हमारे खर्चों को हमारी आमदनी मीट कर ले तो भी चलो ठीक है, मतलब गुजारा है। लेकिन अगर हमारे खर्चे भी मीट नहीं हो रहे हैं तो फिर तो हमारी जो है ना मईशत सही नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि प्लान होता है कि भाई लोग कितने। देखिए, खर्चों का अंदाजा लगाया जा सकता है, आमदनी का अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इंसान के हाथ में इख्तियार है, लेकिन इंसान के इख्तियार में अपने खर्चों का इख्तियार है, आमदनी का इख्तियार नहीं, ठीक है जी। खर्चे में अपने चाहो बढ़ा लो, अपने चाहो कम कर दो। भाई सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात में खाना खाते हैं। सुबह हमने नाश्ता कर लिया, दोपहर में खाना हमने गोल कर दिया जी। पैसा नहीं, गरीब है, गरीब है तो गुर्बत है। पैर कपड़े नहीं खरीदे नए हमने, हमने बिजली ज्यादा इस्तेमाल नहीं करी, हमने पानी इस्तेमाल नहीं किया, हमने गैस इस्तेमाल नहीं की, ये हमारे इख्तियार में है। लेकिन आमदनी कुछ हद तक इख्तियार में है तो कुछ हद तक इख्तियार में नहीं है। कैसे भाई? बेरोजगारी, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी जॉब करना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि भाई उनके इख्तियार में थोड़ी है जॉब, ठीक है ना। तो देखें, आमदनी ला इख्तियारी भी होती काफी हद तक। निम्र थोड़ा आप सर्च करें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब पेज नंबर 100 क्रॉस करके ही होगा मेरे ख्याल से, आखिरी के चैप्टर्स में होना चाहिए मेरे साथ, बिल्कुल आखिरी। और सर, आप चैप्टर बता दें कि कौन सा चैप्टर है? जी, इकोनॉमिक प्लानिंग इन पाकिस्तान। इकोनॉमिक प्लानिंग इन पाकिस्तान चैप्टर का नाम है। प्लस ये इससे ऊपर है ना, ट्रांसपोर्टेशन है इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 11 है। ये देखें चैप्टर नंबर 11 मेरे पास, चैप्टर 11 है, कुछ लोगों के पास सर, चैप्टर, हमारे हाँ उसमें चैप्टर 10 है। यस आपके पास चैप्टर 10 हो गए, सर, मिल गया। मिल गया। पेज नंबर 138 देखा, मीनाल खान ने भी बता दी। ओके अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि भाई प्लानिंग हमें जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम अपने खर्चों को देखेंगे, क्योंकि खर्चे मजबूरी होते हैं, खर्चे आपने अल्टीमेटली करने होते हैं। खर्चों को देखकर हम अपनी आमदनी को क्या करेंगे, आमदनी को हम डिसाइड करेंगे कितनी होनी चाहिए। अच्छा, प्लानिंग अथॉरिटी कैन सेफ गार्ड नेशनल इंटरेस्ट इन द बेस्ट वे। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के फायदे क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग समझ में आ रहा है कि हमने अपनी इनकम को प्लान करना है कि हम कहाँ कहाँ से कितने पैसे हासिल करेंगे। क्यों? फिर खर्चों को भी प्लान करना है कि भाई जो लेस इंपॉर्टेंट या अन इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं उनको कम से कम हम रिमूव कर दें या माइनस कर दें, ताकि हमारे वो खर्चे कम हो जाएं और हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ही अपने खर्चों को ले सकें। क्योंकि जब आपके खर्चे आपके लिमिटेड रिसोर्सेज से बाहर हो जाए तो एक हैवॉक क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं, और
हमारा मुल्क दूसरी राह पर चलने लगता है, नेगेटिव तरफ, ठीक है ना। तो वो हमने कोशिश करनी है कि ऐसा ना। प्लानिंग अथॉरिटी कैन सेफ गार्ड नेशनल इंटरेस्ट इन द बेस्ट वे। तो पहली बात तो ये है कि प्लानिंग अथॉरिटी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सकती है, ठीक है जी। इसी तरह प्लानिंग अथॉरिटी बीइंग कंप्राइज्ड ऑफ हाईली एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स कैन फुली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। इट कैन सजेस्ट द बेस्ट वे टू यूज अवेलेबल स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। देखिए, जब आप प्लानिंग करेंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब आप प्लानिंग करेंगे तो वो रिसोर्सेज जो आपके आइडल हैं और जो है भी ऑलरेडी कम, तो आप उन्हें बेस्ट वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लैंड, जमीन हमारे पास काफी सारी मौजूद है, और अगर हम चाहें तो अपनी जमीन को काफी हद तक इस्तेमाल करके अपने रिसोर्सेज को बिल्ड कर सकते हैं। भाई देखो, जमीन की तो अल्लाह अल्लाह की दी हुई फ्री है। अब वो जमीन जो हम अपनी प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो खाली पड़ी हुई। चले, अगर हम खुद इस्तेमाल नहीं करें, कम से कम उसको रेंट आउट तो कर सकते हैं। हम उसे क्या करें, किसी बाहर मुल्क को वक्ती तौर पर हम किराए पे दे दें। जब हम किसी बाहर मुल्क को वक्ती तौर पर किराए पे दे दें तो वहां से हमें कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि हम अपने ही वो लोग जो बेरोजगार थे उन्हीं को हम वो फिलहाल दे दें लीज पर, तो कुछ दिनों के लिए हम आपको ये जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं, ठीक है जी। तो जमीन जब वो इस्तेमाल करेंगे तो इनको ये फायदा होगा कि भाई वो बेरोजगार थे, कुछ ना कुछ कमाएंगे, और जमीन का वो लीज के पैसे दे देंगे, रेंट के पैसे दे देंगे कुछ दिनों को। तो उस तरह बायलेटरल कुछ ना कुछ बेनिफिट दोनों को हो जाएगा। तो प्लानिंग अथॉरिटी क्या करती है, वो नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर लेती है। इसके बाद क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशन मशीनरी। प्लानिंग जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई इस चीज की जरूरत पड़ेगी, उस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो फिर हम यूनिवर्सिटीज को डायरेक्ट करते हैं भाई इतने डॉक्टर्स हमें जरूर प्रोड्यूस करके दें, इतने इंजीनियर्स हमें जरूर प्रोड्यूस करके दें। खैर, हमारा तो कहानी उल्टी है, हमारे जितने प्रोड्यूसर है उतने खपत नहीं हो रही हमारे। हमारा तो डॉक्टर भी बेरोजगार घूम रहे हैं, इंजीनियर भी बेरोजगार घूम रहे हैं, और अकाउंटेंट की तो भरमार है। हमारे सबसे ज्यादा अकाउंटेंट ही बेरोजगार इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी हमारे अकाउंटेंट्स ही हो रहे हैं। अब जो जितना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही फारे घूम रहा है, ठीक है जी। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन मशीनरी, इसका फर्स्ट पैरा लेंगे, रीड्रेसिंग बिजनेस और बिजनेस फ्लक्चुएशन। अच्छा देखिए, हमारा जो बिजनेस होता है उसमें कुछ चीज कम हो रही होती है, कुछ ज्यादा हो रही होती तो वी नीड टू रीड्रेस द बिजनेस फ्लक्चुएशन। हमें बिजनेस फ्लक्चुएशन को क्या करना होता है, रिड्रेस करना होता है, यानी जिस चीज की कमी है उसको उसमें इजाफा किया जाए, जिस चीज में बेहतर तौर पर इजाफा हो चुका है उसको मजीद बेहतर किस तरह किया जा सकता है, जहां पर कमी आ रही है उसको ऊपर किया जाए। तो रिड्रेसिंग मतलब होता है कि जो खराब चीज होती है उसको रिड्रेस करना, यानी कि पेवंद लगाना, मरम्मत करना, रिपेयर करना। तो देर आर सो मेनी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो हमें कुछ सेक्टर जो होते हैं हमारी इकोनॉमी के उनको हमें बेहतर करना होता है। तो दिस इज व्हाट रीड्रेसिंग ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन। अच्छा, इसके बाद गैप ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी कैन बी ब्रिज्ड इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स इज वाइडनिंग, व्हिच हैड क्रिएटेड इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल बिटरनेस एज एन इफेक्टिव वेपन्स इन रिड्यूसिंग द गैप ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी टू सम रीजनेबल लिमिट, ठीक है जी। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है ना वो ब्रिज हो सकती है जो गैप है उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे
इलाके हैं जहां पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, ठीक है जी। तो भाई कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत ही गुर्बत है, और कुछ इलाके हैं यहाँ पर ऐसे जो बहुत ही अब बेहतर हो चुके हैं। तो अब उन दोनों के दरमियान हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू क्रिएट अ गैप। अब ये गैप जो है वो किस तरह से क्रिएट हो सकता है, जो है वो ब्रिज कैसे हो सकता है। ब्रिज करने के लिए हमें ये करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन इलाकों में जो लेस प्रिविलेज एरिया आते हैं जहां पर काम नहीं होता है, तो वहां पर हमें नई इंडस्ट्रीज के लिए फॉर्मेशन कायम करनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिंध गवर्नमेंट की बात करूं, बदनाम जमाना गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ठीक है जी। उसकी मैं अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि उसने थर में, आपको पता है थर को उन्होंने टैक्स फ्री किया हुआ, जाओ जाके थर में काम करो टैक्स फ्री, जमीन फ्री, बिजली भी, वो बोले बिजली भी हम आपको आधे रेटों से भी कम में देंगे। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट के भाई, अगर आप जो है थर में कोई भी काम करते हो वो टैक्स फ्री है, तो उसमें बहुत ही कम कॉस्ट होगी। अब वहां पे मजदूर भी वहां पर आपको सस्ते मिल जाएंगे। तो अगर आप वहां काम करते हैं तो कितना फायदा है वहां पर। तो ये क्या होता है, ये क्यों किया गया, थर में इतनी ज्यादा जो है थर के हवाले से क्यों दी जा रही है फैसिलिटीज, उसकी वजह ये सिर्फ ये है कि भाई फैसिलिटीज जब वहां के हवाले से दी जाएंगी तो लोग वहां पर काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। जब लोग इंटरेस्ट वहां पे ज्यादा लेंगे तो बेनिफिट ही हो जाएगा कि वो खुद ब खुद डेवेलप हो जाएगा, ठीक है जी। जी थर में पानी भी है, बिजली भी है और गैस भी है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर क्या चीज नहीं है, सबसे पहले वहां पर लोग नहीं। डेंसिटी अगर बात की जाए, कराची की जो मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड, जो है सबसे ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड है, दैट इज कराची, ठीक है जी। कराची जो है बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड है, तो बात यह है कि थिकली पॉपुलेटेड है और यहाँ पे 10,000 से ज्यादा लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। कहाँ पर, पाकिस्तान के कराची। थर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और वहां पे सिर्फ 1 किलोमीटर में 2 लोग रहते हैं। इतने ज्यादा कम लोग रहते हैं क्यों, ड्यू टू लेस प्रिविलेज। स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, ठीक है। ये तमाम चीजें वहां पर नहीं। अच्छा, जब ये चीजें नहीं है तो गैस वाटर सेवरेज का निजाम भी नहीं है। अब जितने लोग हैं उससे ज्यादा है। अब देखे ना, अब लोग होंगे तो चीजें क्रिएट होंगी ना। अगर आप चले जाएं यहाँ पे दादन बाईपास पे, ना बिजली, ना पानी, ना गैस हमारे कराची में, क्यों, क्योंकि लोग नहीं, लोग आएंगे तो हम आपको वो भी चीज फैसिलिटी भी आ जाएगी। तो लेकिन कुछ लोगों को पेन लेना पड़ता है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर कराची के सरजानी टाउन के अंदर अगर मैं बात करूँ, सेक्टर 10-11 जो, वहां पर अभी तक गैस नहीं है लेकिन वहाँ बिजली आ गई, गैस पानी भी आ गया। क्यों, क्योंकि कुछ लोग वहां रहे बिजली पानी गैस के बावजूद, फिर भी वो कुंडा खींच खाच कर रहे, और आज ऐसा वक्त आ गया कि चीजें आ गई, गैस भी वहां पर आ जाएगी, और फिर एक ऐसा वक्त हो जाएगा वेल डेवलप एरिया हो जाएगा। क्योंकि सरजानी टाउन के अंदर ही आप देखें कि केडीएम फिरंगी पर एक सेक्टर है जिसका नाम है 5E, वहां पर जो प्लॉट है 240 गज का, डेट वर्थ 1 करोड़, 10 मिलियन का हो गया ना, 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है जिस खाली प्लॉट से जाने का, उनके अंदर 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, ये वैल्यू चल रही है जी 5E के अंदर, बेहतर लोकेशन पर अगर आपने। तो इसी तरह वहां पर 1.5 करोड़, 2 करोड़ का भी मिल जाएगा एक वक्त पहले पहुंचना उन्होंने। क्यों, क्योंकि कुछ लोगों ने कुर्बानी दी, मुझे याद है एक जमाने में 16 लाख रुपए का था, ठीक है जी। बट द थिंग्स आर गेटिंग चेंज। इसी तरह मैं आपको बताऊं, चले तो सुझाने में स्कीम 33 का बताऊं। स्कीम 33 में मैं खुद जानता हूं कि एक वक्त में मेरे होशो आवाज में, कोई मेरी उम्र आपको इतनी नहीं ज्यादा, 21-22 साल का हूँ, तो मेरे बचपन में मैंने देखा कि 6 लाख रुपए का प्लॉट था, जो आज वहां पे 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया। स्कीम 33 सुरजानी से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और सुरजानी पुरानी आबादी है, स्कीम 33 उससे नई आबादी, लेकिन उसके बावजूद उसकी वैल्यू तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये भी क्या था, दिस इज बेसिकली कि भाई उन्होंने वहां पर पहले सस्ते प्लॉट दिए ताकि लोग रहे, अब जब लोग आ गए तो हर चीज महंगी हो गई। तो अगर थर भी ऐसी भर जाएगा, गवादर मिसाल के तौर पर, ठीक है ना,
तो भाई अगर हम गवादर की बात करें, आपको पता है आप डिफेंस और क्लिफ्टन आप जाए स्टेट एजेंसी आप नोट करें, स्पेशली जो इलीट इलीट क्लास के एरिया थे, हर जगह गवादर 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 गवादर, उन्होंने फोकस किया गवादर को, और ये डिफेंस वाले पूरा खरीद के बैठ गए गवादर, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही कि गवादर हर हाल में बनना है। ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बड़े बड़े जमीन लेकर अपनी औलादों के लिए छोड़ेंगे, लो भाई यहाँ पर प्लाजा मेरा फला पोता बनाएगा या मेरा बेटा बनाएगा आने वाला, तो जाहिर है उनके पास पैसा है, वो लोग ही कर रहे हैं। तो ये सब ये प्लानिंग का हिस्सा होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कराची के बाद अगर कोई बड़ा बिजनेस हब कोई शहर बनेगा तो वो गवादर होगा, जो कि बलूचिस्तान में होगा, और ये होना है। अच्छा अब क्या हुआ, गवादर में जो जमीन थी वो 5 लाख रुपए की 1 एकड़ जमीन थी, अब जो है ना वहाँ पे 20 लाख रुपए की एकड़ हो गई है, 5 का डबल 10 और 10 का डबल 20, 20 से 25 लाख रुपए हो गया। अच्छा सुपर हाईवे पर 1 करोड़ रुपए भी एकड़, 1.5 करोड़ रुपए भी एकड़, अब 2 करोड़ रुपए भी एकड़ की बात हो रही है हमारे सुपर हाईवे के ऊपर। अभी मैंने एक जमीन देखी थी तो आई ऑफर्ड हिम 35 लैक्स पर एकड़, मैंने खुद उसको दिया ये ऑफर, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया मेरा ऑफर, क्योंकि उसने ली थी जमीन, मैंने डॉक्यूमेंट देखे 7 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से उसने कुछ अर्से पहले ली थी, मैंने एक एक एकड़ के हिसाब से 35 लाख ऑफर किया, बट ही डिनाइड, उसने मना कर दिया। सही जी। अच्छा द गैप ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी हो गया, कैन बी ब्रिज। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन मैक्सिमाइज एम्प्लॉयमेंट अकॉर्ड। देखें इकोनॉमिक प्लानिंग आप करेंगे तो आप लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगाएंगे, जब आप लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो आप ज्यादा लोगों को घेरेंगे, ठीक है ना, यानी कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो ज्यादा लोगों को आप जॉब प्रोवाइड करेंगे। अब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री किसे कहते हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि भाई ऐसी इंडस्ट्रीज लगाना जिसमें ज्यादा लोगों को जॉब मिले। पाकिस्तान में क्योंकि आबादी ज्यादा है तो पाकिस्तान के अंदर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगाई जाती, ठीक है जी। इसके बाद है अननेसेसरी कंपटीशन। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर हम ये भी कर सकते हैं, जहां हमें नजर आया कि भाई देर इज अ वेस्टेज ड्यू टू कंपटीशन, अगर हमें लगता है कि कंपटीशन की वजह से वेस्टेज हो रहा है तो देन व्हाट विल वी डू, हम उसको प्लान करके ऑर्गेनाइज करके लोगों के दरमियान उसमें कंपटीशन में कमी करवा सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अननेसेसरी कॉम्पिटिशन कैन बी मिनिमाइज्ड, जो गैर जरूरी जो कंपटीशन है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी मेड पॉसिबल, कि रिसोर्सेज को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हमारे क्या होता है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज का फुकदान होता है। पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया, पिछली गवर्नमेंट लाहौर की फलाह बहबूद के लिए उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन देखें उनकी प्लानिंग में क्योंकि फुकदान था, क्योंकि वो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से उन्होंने लाहौर का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या बेड़ा गर्क, क्या सुनी, देर वॉज अ टाइम, एक वक्त था व्हेन कराची वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी बहुत अहम शहर था, जिस तरह इस्लामाबाद है आज। तो होता क्या था कि हर चीज भाई हर चीज धमाधम, बजट भी होता था खर्च, एक 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 सड़क एक एक गली बड़ी साफ सुथरी हुआ करती थी कराची की, हमारे वो पैदाइश से पहले की बात है, हमारी पैदाइश से भी पहले की, आपके माँ बाप की शादियों से पहले की बात है। तो भाई धुल रही है सड़कें, पानी से धुल रही है, वो चमक चकाचक, कोई 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 परनी तक नहीं है रोड पर, बहुत सफाई सुथराई कराची। फिर यहाँ से फेडरल जो कैपिटल था वो शिफ्ट हो गया, उसके बाद एक एक करके गवर्नमेंट भी वहीं की पंजाब की बनने लगी, क्योंकि पहले ब्यूरोक्रेट्स उनका ताल्लुक कराची से होता था, जो हुकूमत में होते थे, ठीक है ना। अब वो लाहौर वाले आए, स्पेशली इस्लामाबाद वाले, वो उनको बना लिया। अब पिछली गवर्नमेंट ने अंधाधुन लाहौर में खर्च किया, तो लाहौर में जब खर्च किया तो लाहौर की जो मार्केट थी प्रॉपर्टी की बहुत तेजी से बढ़ी, ठीक है ना। अब हुआ ये कि जब लाहौर में उन्होंने खर्च किया, बहुत ज्यादा लोगों ने देखा लाहौर में बहुत पैसा लग रहा है, चलो लाहौर, अब पूरे पंजाब ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और लाहौर और उसके अतराफ में आकर बसना शुरू हो गए। व्हाट इज द रिजल्ट, नवाज शरीफ गवर्नमेंट चली गई, अब नई आने वाली गवर्नमेंट ने लाहौर में पैसा नहीं लगाया, जब लाहौर में पैसा नहीं लगा अब उनकी जाहिर है रिसोर्सेज कम है और आबादी क्या हो गई, बढ़ गई, रिसोर्सेज हैं कम आबादी बढ़ गई, अब हर बसों में रश, अस्पतालों में रश, कचरा कुंडी बन गया पूरा पूरा शहर। अब वो जो कराची के हालात थे, जगह जगह कचरा, अब वो लाहौर के बारे में भी वही खबरें आ रही, जिस तरह कराची को कचराची बोलते थे ना लाहौर वाले, तो वो कहता है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, उन्होंने हमारे ऊपर उंगली उठाई, कराची में वो पूरा कचरे का ढेर वहां पहुंच गया। अब वहां पे हर गली हर नुक्कड़ पर जो कचरा ही कचरा है, और परेशान है पंजाब गवर्नमेंट के लाहौर में कचरा कैसे उठाए,
लाहौर का फिर, और जितना उठा रहे हैं उससे ज्यादा वो फेंक रहे लोग, जितना वो लोग उठा रहे हैं उससे ज्यादा फेंक रहे हैं। कराची में भी है ये, जितना हमारी जो गवर्नमेंट है वो कचरा एक दिन में उठाती है उससे 4 गुना कचरा हम फेंक देते हैं रोड पर, तो कराची का कचरा तो कभी भी नहीं सिमट सकता इस तरह। आवाम भी तो नहीं सुधरती, तो यहाँ के लोग कुछ वहां पे भी इज्जत कर गए, तो हमने वहां पे भी कचरा फेंकना शुरू कर दिया। खैर वो लोग पहले बहुत निजाम अच्छा था कचरे का वहां पर, लेकिन वो भी तबाह बर्बादी की तरफ चला गया। उसकी वजह क्या हुई कि देखें, उन्होंने पंजाब में हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, हर जगह सेम डेवलपमेंट होती, लोग हिजरत नहीं करते। अब एकदम उन्होंने फोकस किया लाहौर पर, लाहौर में हिजरत कर दी। यही वजह तो बनी थी कराची की, कराची में पूरा पठान का एक तबका आगे बस गया, पूरा पंजाब कॉलोनी, पंजाबी का एक पूरी बस्तियां यहाँ है, बलोचियों की बस्ती यहाँ है, सिंधियों की बस्तियां यहाँ है, पठानों की बस्ती यहाँ है, हजार अहवाल, गिलगिती, बल्ती, उर्दू स्पीकिंग महाजन, यानी कि पूरी एक मिनी सिटी है, मिनी कंट्री है हमारा ये इस वक्त ना, ये इसको कहते हैं मेट्रोपोलिटन सिटी। हर नस्ल, मजहब, कौम, मिल्लत का बंदा यहाँ पर आपको मिलेगा। उसकी वजह क्या थी कि भाई शुरू में क्योंकि बहुत खर्च यहाँ पर हो रहा था, तो लोग यहाँ आके बस गए। ठीक है जी, तो देखें इनको पूरा हमारा मुल्क ही ओवर पॉपुलेटेड, लेकिन इसके अलावा ये भी है। ठीक है जी, मेजर इकोनॉमिक चेंजेस कैन बी ब्रॉट आउट। मेजर इकोनॉमिक चेंजेस क्या होते हैं? इसके बाद है टैक्स ऑफ आर्टिफिशियल शॉर्टेज कैन बी डिफेंडेड, कि अगर कोई बंदा आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं, इंपोर्ट करके, एक्सपोर्ट करके, पॉलिसी बना करके, भाई जो चीज जैसे शॉर्ट होगी फॉरन हम इम्पोर्ट कर लेंगे, ताकि हम किसी को ये मौका ना दें कि वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके पैसा बनाए हमारे मुल्क से और लोगों का पैसा लूट ले। दिस इज, यू नो, दिस इज द रॉबरी ऑफ लीड क्लास बिजनेस। ठीक है ना, कि वो क्या करते हैं कि चीनी की शॉर्टेज करेंगे, चीनी महंगी, मुर्गी की शॉर्टेज मुर्गी महंगी, दूध शॉर्टेज दूध महंगा, हर चीज की शॉर्टेज करके महंगा कर देते हैं। तो ये इसको भी हम इकोनॉमिक प्लानिंग के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। 8 पॉइंट्स करने हैं आपने। आई हैव टॉट 10 पॉइंट्स एंड यू नीड टू लर्न जस्ट 8 पॉइंट्स आउट ऑफ दीज। ठीक है जी, डिस्कस द रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ सेकंड फाइव प्लान। एक फाइव प्लान बना था जो कि 1960 से लेकर 1965 तक था। इस एरा को, 1960 से लेकर 1965 तक का जो एरा है, इसको गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इस एरा को गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है जी, अब इसको गोल्डन एरा क्यों कहा जाता है? ठीक है, उसकी वजह यह है कि बेसिकली इस एरा में सबसे ज्यादा कामयाबी हुई। आप जितने भी जो है ना वो देखें, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1960 से 1965 के दरमियान आपको मिलेगा कि वो स्टैब्लिश हो, जितने भी फाइनेंस कॉरपोरेशन थी वो सारी इसी एरा में डेवलप हुई। ठीक है जी, ये अयूब खान का दौर था। The total development expenditure increased from the targeted amount 23 to 2754. उन्होंने टारगेट सेट किया किया था कि 2300 मिलियन रुपीस हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन हुई कितनी 2754, यानी कि ज्यादा। नेशनल इनकम वाज टू इंक्रीज 24%, 24% से हम लोगों ने सोचा था कि आमदनी हमने बढ़ानी है, लेकिन 30% से बढ़ी। पर इनकम, पर कैपिटल इनकम को बढ़ाना था 12%, लेकिन 15% से बढ़ी। ठीक है जी, तो दैट वाज द गोल्डन एरा, ये बड़ा हीरा बंदा मिल गया था हमें। एग्रीकल्चर आउटपुट 18 से जो हो गया टारगेटेड 14 था, फूड की ग्रेन जो थी वो 27% हमने हो गई, जो जबकि हमने 21% सोची, यानी कि एवरीथिंग वाज, यू नो, हर बॉल पर जो ना बाउंड्री से बाहर छक्का ही छक्का था। तो ये तमाम इसमें 8 पॉइंट्स हैं जो कि साफ जाहिर करते हैं कि इन पॉइंट्स की बुनियाद पर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो सेकंड फाइबर प्लान था, जो कि 1960 से 1965 तक चला पाकिस्तान के अंदर, दैट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1960 से 65 तक, 65 की जंग जो हुई,
तो आपको पता है इंडिया से हम बहुत ज्यादा आगे थे, और ये वो दौर था जब इंडिया की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से बहुत पीछे थी, आज हमारी करेंसी उनकी करेंसी से बहुत पीछे है, तो उल्टा हिसाब हो गया उस जमाने में। अच्छा, ये 1960 से 1965 का दौर, टीवी हमारे पास था उनके पास नहीं था, फिल्म इंडस्ट्री हमारे ड्रामा इंडस्ट्री हमारी बहुत ऊपर थी, उनकी ड्रामा इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी, ना होने के बराबर थी, उनके हीरो हीरोइन को कोई जानता नहीं था, और पाकिस्तानी फिल्में वहां देखी जा रही थी, वहां से जो इम्पोर्ट जो अमीर लोग थे जो ले गए थे टीवी वो वहां देखते थे, पाकिस्तान में टीवी था। तो भाई हमारी फिल्म इंडस्ट्री हमारे ड्रामा इंडस्ट्री बड़ा राज किया पूरे सब कॉन्टिनेंट, वो तो बस वक्त के साथ साथ उस पर तासुब लेकर आया, सिलेक्टेड जबानों के ऊपर तासुब आया हमारी फिल्म इंडस्ट्री, और वो तासुब ने क्या करा, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, कराची वालों को उन्होंने चांद देना बंद किया तो सभी कुछ खत्म हो गया, ड्रामा इंडस्ट्री कराची वालों से चल रही थी बात उस जमाने में। आपको पता ना, क्योंकि जाहिर है कि वही जैसे मैंने शुरू में बताया कि वही शुरू में तो हर चीज मेजोरिटी जो है ना वो उन्हीं लोगों के हाथ में थी जो वहां से आए थे, महाजरों के हाथ में। तो लेकिन उसके बाद जो तासुब, देखें बात महाजर सिंधी पंजाबी की, भले से मैं पंजाबी हूँ सिंधी हूँ बलोची हूँ कुछ भी हूँ, अगर अगर मैं मैरिट पर हूँ तो मुझे चांस मिलना चाहिए, अगर मैं मैरिट पर नहीं हूँ मैं किसी का सगा हूँ जब भी मुझे चांस नहीं मिलना चाहिए, ये जब तक हमारे मुल्क नहीं होगा हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, बस यहीं पर अपनी बात को खत्म करेंगे। ठीक है जी, कल क्लास नहीं होगी, अब क्लास फिजिकल होगी बस, हाँ संडे की बिजनेस लॉ जरूर होगी, संडे की बिजनेस लॉ होगी अपने टाइम पर, ठीक है, और इसके अलावा भी सवाल हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ठीक है जी, तो कोई भी सवाल हो तो मांग कर लीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।